हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दिए गए सुझाव। आज हम पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, सजेशंस गिवन बाय द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू प्राइमरी एजुकेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, ठीक है, जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए हैं। तो उसमें से सबसे पहला सुझाव है प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। कहने का मतलब कि प्राथमिक शिक्षा का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सारी चीजों का मैनेजमेंट का सुझाव दिया है। तो आयोग ने सुझाव दिया कि स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त का कार्य दिया जाए, और यह भी कहा गया कि संस्थाएं प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना अपने क्षेत्र में करेंगी। स्थानीय निकायों को अन्य कार्य भी सौंपे गए, जैसे कि शिक्षकों की नियुक्ति करना, शिक्षकों का वेतन का भुगतान तथा अन्य सभी व्यय वहन करेंगी। ठीक है, अगला है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। तो आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के मुख्य रूप से दो उद्देश्य निश्चित किए गए, जिसमें से पहला है जन शिक्षा का प्रसार और दूसरा है व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। तो तीसरा पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या। बिल्कुल, पाठचर्या बहुत जरूरी है हमारे शिक्षा के लिए। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने पाठचर्या का क्या सुझाव दिया है, आगे देखते हैं। सभी प्रांतों के प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या में व्यवहारिक गणित होना चाहिए, बही खाता, सरल विज्ञान और आरोग्य विज्ञान के सामान्य ज्ञान को अनिवार्य रूप से रखा जाए। प्रांतीय परिस्थिति के अनुसार कृषि, पशुपालन, कताई, बुनाई, इन सभी में से किसी एक सामान्य शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। ये है तीसरा सुझाव। आगे चौथा सुझाव है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम। अब प्राथमिक शिक्षा का क्या माध्यम होगा? तो आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, जो उनकी जन्मजात भाषा है, उनकी जो प्रांतीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो उनका माध्यम होना चाहिए। तो आगे है पांचवा पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण। बिल्कुल, अगर हमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है तो शिक्षकों को प्रशिक्षण भी करना बहुत जरूरी है। उन्हें ट्रेन करना कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उन्हें मैनेज करना है, ये शिक्षकों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो आयोग ने क्या सुझाव दिया है? आयोग के सुझाव के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। अब देखिए, जब हम लोग डीएड पीटीसी करते हैं, ठीक है, ये सारा चीज हमारा एक तरह से ट्रेनिंग ही है। हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, हम जब कोर्स कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं बीएड या फिर बीटीसी कर रहे होते हैं, तो उस बीच में हमें कुछ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है स्कूल में। जब हम व्यवहारिक रूप से वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, तो आयोग ने यही बोला है कि प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में उन्हीं टीचर्स को नियुक्त किया जाए जो कि प्रशिक्षित हो। ठीक है, आगे छठा पॉइंट है प्राथमिक देशी पाठशालाओं का प्रोत्साहन करना। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन देने पर बल दिया है। इनके निम्न स्तर को ऊंचा उठाने के लिए चार सुझाव दिए गए हैं। तो उसका पहला सुझाव है भवन निर्माण तथा अध्यापकों के वेतन भुगतान के लिए सभी देशी पाठशालाओं का अनुदान दिया जाए। और दूसरा पॉइंट है इन देशी पाठशालाओं की पाठचर्या में हस्तक्षेप न करते हुए उपयोगी विषयों का समावेश किया जाए। फिर तीसरा पॉइंट है देशी पाठशालाओं के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाए। तो जो देशी पाठशालाएं हैं, उनमें जो निर्धन छात्र हैं, उन्हें भी स्कॉलरशिप छात्रवृत्तियां दी जाए। इन विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा क्या सुझाव दिए गए प्राथमिक शिक्षा को चलाने के लिए। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टडी से रिलेटेड जो भी आपको नोट्स चाहिए आप हमारी वेबसाइट sarkariguider.in पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।